हेलो एवरीवन, आज के अपने इस एपिसोड में हम आपको उपवास के लिए साबूदाना खिचड़ी बनाना सिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे आप इसको बनाएं कि ये नॉन स्टिकी बने और बहुत ही सेहतमंद यानी हेल्दी भी। सबसे पहले हमें 1 1/4 कप साबूदाना सोक करना है। हमारी पहली टिप यही है कि आप इतने ही पानी में इसे सोक करें कि ऊपर तक कवर हो जाए। इसमें ज़्यादा पानी हमें ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने लिए हैं कुछ गाजर, उबले हुए आलू, टमाटर, रोस्टेड पीनट्स, हरी मिर्च और ग्रेटेड कोकोनट। सबसे पहले हम अपने जो रोस्टेड पीनट्स हैं उन्हें क्रश करेंगे इस तरह मोटर एंड पेस्टल में। इसे रफली क्रश करना है, बिल्कुल क्रश नहीं करना है। और फिर ये जो हमने ओवरनाइट सोक किए थे साबूदाना, आप चाहें तो 4 से 5 घंटे भी इसे सोक कर सकते हैं, उतना भी काफ़ी है, उसमें इन्हें ऐड करेंगे। ये हमारी दूसरी टिप है। अगर आप अपने स्पाइसेस को, ये हमने लाल मिर्च ली है, धनिया पाउडर और ये है सेंधा नमक, और आप इसे पहले से ही ऐड कर देंगे तो इसकी स्टिकीनेस जब आप इसे कुक करेंगे तो कम होगी, क्योंकि ये पहले से ही अच्छी तरह मिक्स हो गए होंगे। साथ ही जो पीनट्स हैं, जो उनका पाउडर है, वो भी अगर इसमें थोड़ा ज़्यादा एक्सेस वाटर होगा उसे सोक करके इन्हें बिल्कुल ही ड्राई कर देगी। अब हम एक कढ़ाई में या फिर एक पैन में 1 चम्मच पीनट ऑयल लेंगे और उसे गर्म करेंगे। ध्यान रखिए, व्रत में कोई भी सीड का ऑयल या जो बीज का ऑयल होता है, जैसे सनफ्लावर ऑयल है, ये नहीं लेना चाहिए। अब हम इसमें वेजिटेबल्स डालें, ये एक एक करके। सबसे पहले हमने गाजर डाली है, टमाटर जो है उनके बीज हमने निकाल दिए थे ताकि इनमें भी मॉइस्चर जो हो वो कम हो, यानी वो ज़्यादा गीले गीले ना हो। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। हम उसी ऑर्डर में सब्जियां डाल रहे हैं जिसमें पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। अब हम एक उबला हुआ आलू जो हमने छोटा छोटा काट लिया है उसे हम ऐड करेंगे, और साथ ही ग्रेटेड कोकोनट, ये 1/4 कप ग्रेटेड कोकोनट है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर इन्हें पकने देंगे हम। और पकने के बाद अब जो हमारा मिक्सचर है साबूदाना, पीनट और मसालों का, वो इसमें ऐड करके इसे सॉफ्ट हैंड से जेंटली, बिल्कुल ही आराम से पूरे इसको मिक्स करेंगे। इस समय हमें अपनी गैस को कम कर देना है, बिल्कुल लो आंच पे इसे पकाना है, और फिर 2 मिनट के बाद गैस बंद करके इस तरह से उसके ढक कर उस पर थोड़ा पानी डाल देना है ताकि स्टीम में जो है बाकी वो पके अच्छी तरह से। आप इसे गार्निश कर सकते हैं ग्रेटेड कोकोनट के साथ और साथ ही कोरिएंडर के साथ। आई होप आपको ये हेल्दी और ईजी रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे।